युद्ध के बीच रूस के बयान से मिली आशावादी संकेत। रूस ने कहा यूक्रेन सरकार को हटाना हमारा मकसद नहीं। बातचीत के तीन दौर हो चुके, अब तक की बातचीत में प्रगति हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की स्ट्राइक सीज फायर ऐलान के बाद भी फिर तोड़ा गया। ताबड़तोड़ धमाकों से दहला कीव, एक के बाद एक तीन जोरदार धमाके। रूस यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की की पत्नी का पुतिन पर बड़ा हमला, बोली ना हार मानेंगे ना हथियार डालेंगे। रूसी हमला हकीकत में यूक्रेनी नागरिकों का नरसंहार है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन। नतीजों से पहले चुनावी राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी में माहौल बिगाड़ने वालों पर गोली मारने के आदेश। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री गहलोत ने की इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग। आज महिलाएं लाखों की तादाद में हर पदों पर पहुंच रही। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का वार। राजेंद्र राठौड़ बोले रोजाना ऐप रेप के प्रकरण हो रहे दर्ज। तो कांग्रेस की तरफ से संयम लोढ़ा बोले सरकार ने भरोसा पैदा किया कि गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए और यही वजह है कि हमारी बहनें और लोग मुकदमे कराने में आगे आ रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन बहाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में किया ऐलान। बीजेपी शासित राज्यों पर बढ़ रहा दबाव। मृत्यु होने पर निजी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे डेड बॉडी। गहलोत सरकार के राइट टू हेल्थ बिल में अत्यंत मार्मिक फैसला। चिकित्सा विभाग ने जारी किया ड्राफ्ट। प्रदेश में बेकाबू रफ्तार का कहर। चित्तौड़गढ़ में बेकाबू टैंकर ने मारी कार को टक्कर, पिता पुत्र की मौत। तो वहीं करौली में स्कूली बच्चों की निजी बस पलटी, 15 बच्चे घायल, 4 की हालत गंभीर। खाटू श्याम जी के लखी मेले का चौथा दिन। खाटू के दरबार में देश भर से उमड़ रहे भक्त। 3000 पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरों के जरिए बनाए हुए हैं नजर।